चंडीगढ़ से बड़ी खबर, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका, दोनों याचिकाएं खारिज, किसी भी समय गिरफ्तारी संभव। हरियाणा में 2224 नए पॉजिटिव मिले, 23 मरीजों की मौत, सीएम के हालात में सुधार। हरियाणा में 10 सितंबर को पीपली में भाकियों की रैली, सरकार अलर्ट, प्रदेश अध्यक्ष के घर लगा नोटिस। पंजाब के शहरों में अब रात 9 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, शनिवार को लॉकडाउन नहीं। पंजाब के फरीदकोट में 5.39 लाख के जाली नोट के साथ दो गिरफ्तार, चकमा देकर दो आरोपी फरार। शिमला के विधायक के पॉजिटिव आने के बाद धरी रह गए विधानसभा सचिवालय की तैयारियां। हिमाचल में नाम से नहीं आईडी से पहचाने जाएंगे कोरोना पॉजिटिव मरीज, 50 और कोविड सेंटर बनाएगा हिमाचल स्वास्थ्य विभाग। एलएसी पर 45 साल बाद चली गोली, बौखलाए चीन ने भारत पर लगाया फायरिंग का आरोप। भारत की रक्षा रफ्तार को दुनिया करेगी नमस्कार, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग। कंगना पर शिकंजे की तैयारी, शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की, मुंबई पहुंचते ही क्वारंटीन की जा सकती है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच, रिया एनसीबी के ऑफिस पहुंची, बीते दो दिन में एक्ट्रेस से 14 घंटे पूछताछ हो चुकी। रफेल व जैगुआर के लिए अंबाला एयरबेस के आसपास होंगी खास सुरक्षा, विज ने ली अफसरों की बैठक। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।